और एक चीज जिसके बारे में आप भले ही कुछ ना कहना चाहें, लेकिन पूरी दुनिया एक उम्र के बाद पीछे पड़ जाती है उस एक सवाल के साथ, वो होता है, बेटा शादी कब करोगे? आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर। एंड देन जब फाइनली शादी पक्की होती है तो आप सबसे उन्हीं सब लोगों से कहते हैं शादी में जरूर आना, और यही कह रहे हैं इस हफ्ते राजकुमार एंड कृति, जो है मेरे आज के मेहमान। राजकुमार, आप बड़ी शादियां कर रहे हैं आजकल फिल्मों में, है क्या बात है? पर शादी बहुत जो है वो कमाल की शादी है, ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं है इस फिल्म में। अच्छा। इससे भी पहले आपको बहुत शादी वाली पिक्चर आई है, पर ये जो हमारी शादी है, हम कह रहे हैं शादी में जरूर आना, पर शादी होगी कि नहीं ये तो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। वैसे शादी के बारे में लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए। आप पछताना चाहेंगे खाकर या बिना खाए? मैंने तो अभी तक नहीं खाया है और मेरा कोई प्लान नहीं है खाने का। खाए पछताए, ना खाए वो भी पछताए, मेरे को लगता है बिना खाए पछता लो बेटर है, एटलीस्ट लाइफ तो सिंपल रहेगी। यार तो ही दिल। अब चलिए, जब कृति ने कह दिया कि उनका प्लान है शादी करने का, तो जरा पूछें कि शादी की प्लानिंग क्या क्या की है, कैसी होगी वो शादी, कौन से होंगे वो लोग जिन्हें खास मेहमानों की लिस्ट में वो रखना चाहेंगी, ये सारी बातें करेंगे उनसे। आप सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गाना मैंने आपको सुनाया, और एक चीज जिसके लिए हम इंडियन हमेशा हमेशा एक्साइटेड रहते हैं चाहे अपनी हो या किसी और की, वो होती है शादी। और मेरी शादी में जरूर आना, ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं इस हफ्ते राजकुमार राव एंड कृति। आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर। अभी थोड़ी देर पहले कृति आपने बताया कि भैया आपका तो इरादा है शादी करने का, तो कैसी होगी वो शादी? मैं पैसा बचाने की बात नहीं कर रही हूँ, आई वॉन्ट अ सिंपल वेडिंग एंड आई वॉन्ट सच अ क्रेजी एस हनीमून, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी मैंने बितानी है किसी के साथ, एंड आई थिंक आई डिजर्व वन ग्रेट हॉलीडे बिफोर द रोज की मगजमारी स्टार्ट। राजकुमार, आपकी शादी कैसी होगी? जब भी मेरी शादी होगी, इट विल बी अ वेरी सिंपल अफेयर, आई थिंक बहुत ही सिंपल शादी होगी, बट देन ऑफ कोर्स आई विल थ्रो अ लवली पार्टी फॉर ऑल माय क्लोज वंस। मेहमानों की अगर बात करें तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेहमानों की लिस्ट में एक ऐसा नाम जो हमारे बीच आज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपकी तमन्ना हमेशा से रही कि काश वो मेरी शादी अटेंड करते, जो नहीं है, आई थिंक वुड बी ऑल फॉर माय ग्रैंडपेरेंट्स, नथिंग मोर, बिकॉज़ आई डोंट थिंक दे एनीबॉडी एल्स हैज एवर ड्रीम्ड ऑफ दिस डे द वे दे हैव। ओह, मैं बहुत बड़ा फैन हूं किशोरदा का, आई होप कि वो होते आज तो मैं उनको जरूर इनवाइट करता, और उनके जो इतने कमाल के संगीत है, उनके जो म्यूजिक है, वो पूरी शादी में दिन रात बजता रहता। और एक जो अभी हैं उनमें से अमित जी, बचपन से वो मेरे सपने में आ रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो मैं आपको अमित जी की ब्लेसिंग लेना चाहूंगा जब भी शादी होगी तब। दिलबर मेरे, ऐसे में बच्चन साहब का एक गाना तो बनता है, और आगे बनता है रैपिड फायर, रैपिड फायर राउंड विद राजकुमार एंड कृति, मेरे यानी रानी के साथ, सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर। मैंने सुना है हमारे आज के जो खास मेहमान है राजकुमार राव, हाँ उनकी बड़ी फेवरेट फिल्म है ये, कभी हाँ कभी ना, अब है कि नहीं पूछ ही लेते हैं उनसे। आप सुन रही हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर। मेरी शादी में जरूर आना, नहीं ये मैं इनवाइट नहीं कर रही हूँ आपको, इनवाइट करे राजकुमार राव एंड कृति जो लेकर आए हैं ये फिल्म, और इसके बारे में ही बात हो रही है, बात हो रही है शादी की, तो ऐसे में मैंने ऐसे सुना है कि कभी हाँ कभी ना आपकी फेवरेट फिल्म है राजकुमार, इज इट? आई जेन्युइनली लव दैट फिल्म, आई लव कभी हाँ कभी ना, मतलब मैं वो फिल्म कितनी बार भी देख सकता हूँ, जो जीता भाई सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, दीज आर माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म। इसका जवाब तो बड़ी तेजी से दे दिया, चलिए देखते हैं आगे मेरे इन सवालों के जवाब ये तेजी से दे पाते हैं या नहीं। बच नहीं सकता यहाँ कोई लायर, ये है रानी का रैपिड फायर, रैपिड फायर। राजकुमार, बचपन का क्रश? बचपन का हीरोइन क्रश दिव्या भारती। देखी नहीं, हाँ ये बात इन्होंने मुझे पहले भी बताई थी कि दिव्या भारती ने बड़ी पसंद थी मैंने। अच्छा अच्छा कृति, आपको कौन पसंद थे? सैफ अली खान। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। चलिए तो आपके फेवरेट्स के फेवरेट गाने सुना रही हूँ मैं, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, सुनते रहिए। आप सुन रही हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर।
भले ही सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे बड़े स्टार्स की फिल्म की आहट ना हो बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन फिर भी हलचल तो है और अक्सर टू ऐसा होता है। आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर। होता है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और होती है प्रेम कहानी, लेकिन अक्सर टू ऐसा होता है कि दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है और प्रेम कहानी भी एग्जैक्टली नहीं होती। तो होता क्या है ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ है, यस ऑफ कोर्स, अक्सर टू की टीम, एक एक करके प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं हूँ अभिनव शुक्ला। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम रोडे जी। हाय, मैं हूँ ज़रीन खान। ओके, तो क्या होता क्या है ये अक्सर टू में? यही तो सवाल है सबसे बड़ा। अक्सर टू में एक ये बेसिकली ऐसा लगता है जो होता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस अपॉर्चुनिटी को सब अवेल करना चाहते हैं, मगर उस अपॉर्चुनिटी में जब वो घुसते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। अच्छा, और सबको लगता है कि एक मुझे लगा था मैंने पहेली बूझी है। नहीं, नहीं, आपको मैं बहुत घुमाने वाला हूँ। हम सबको घुमा रहे हैं, बहुत घुमाने वाला हूँ। तो हमें जब सब घुसते हैं गेम के अंदर तो सबको लगता है वही खिलाड़ी है, मगर जब साथ में देखते हैं तो लगता है यार ये भी खिलाड़ी है, उसके सामने देखते हैं वो भी खिलाड़ी है, तो कैसे विलिंगली अनविलिंगली हम सब अनाड़ी निकलते हैं, और सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे बाहर निकलते हैं, कोई निकल पाते हैं कोई नहीं निकल पाते, उसी तरीके की ये कहानी है। पहली लाइन ही हमारा है ना, हाउ ऑफन डू यू सी द ट्रैप, तो उस तरीके की कहानी। वैसे हमारी फिल्म में इमरान हाशमी भी है क्या? वो सरप्राइज है। वैसे उस सरप्राइज के बारे में काफी कुछ पता है, एक सरप्राइज मुझे भी नजर आया था ट्रेलर में। ओके, श्रीशांत है फिल्म में, बॉलिंग बॉलिंग करने के लिए बहुत अच्छे बॉलर हैं। आई थिंक इट वाज फन टू हैव श्रीशांत ऑन बोर्ड विद अस, क्योंकि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो, लोग उनको बहुत जानते हैं, और बट टू सी श्रीशांत एज एन एक्टर वाज बहुत मजा आया वो देख के, क्योंकि हर एक इतना बड़ा क्रिकेटर नर्वस हो रहा है, यू नो, बिकॉज ही इज गोना बी एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत कम देखने मिलता है, और वो साउथ इंडियन है तो जब वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं तो हिंदी में उनका थोड़ा साउथ इंडियन टच आ जाता है, एक्सेंट आ जाता है, तो वो कितनी मेहनत करके ही इज ट्राइंग टू से इट इन प्रॉपर हिंदी। It was fun seeing that side of Shrisant. मुझे याद है कि वीर के टाइम पे मैं जब आपसे पहली बार मिली थी ना, पहला सवाल मतलब पहली हैरानी, जब आपने हैरानी की बात की तो मुझे याद आया कि मुझे हैरानी हुई थी इनकी हिंदी सुनकर, मैंने कहा आप अंग्रेज नहीं थी? मुझे भी, मुझे for the longest time I thought she's Iranian. Exactly, हाँ, मुझे लगा इतनी अच्छी हिंदी करते, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो यही की हूँ, बैंड्रा की, right? Yes. You said that. मगर origin तो मैडम पठानी, पठान हूँ, I mean मेरे नाना दादा, my parents, grandparents are from Pakistan and Afghanistan, but I am, मैं यहाँ बॉम्बे में पली बड़ी हूँ। जादू है। और मुझे आज भी याद है वीर के प्रमोशंस के लिए जब मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी ज़रीन की, तो मैजिकल थी इनकी ब्यूटी। 7 साल हो गए ना, लेकिन इन 7 सालों में कितनी बदली है ये इंडस्ट्री फॉर ज़रीन, जानेंगे उनसे। आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर। और बहाना है अक्सर टू, जिसकी वजह से मेरी मुलाकात हुई ज़रीन खान, अभिनव शुक्ला एंड गौतम रोड़े से। बातें हो रही हैं शो का नाम। आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर। मेरे लिए ये फिल्म इसलिए इतनी डिफरेंट है क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे फीमेल सोलो लीड प्ले करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे ये फील करके खुशी होती है कि फाइनली यू नो सम वॉट देर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, क्योंकि आई एम द ओनली फीमेल लीड इन दिस मूवी, जैसे मैंने प्रीवियस फिल्म्स की है, आई थिंक वीर के अलावा मेरी कोई भी सोलो नहीं आई हुई थी, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ये मौका मिला है, तो एक्साइटमेंट भी था, नर्वसनेस भी था, क्योंकि लोगों ने मेरे पे अपना यकीन रख के बहुत अपना पैसा डाला है, यू नो ट्रस्ट किया है मेरे पे, सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट देम टू बी पुट डाउन, and I have given my best and it's a different character, there are a lot of shades to this character, और I hope लोगों को पसंद है। 7 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, right? लगता है 2010 हो गया था। तो 7 साल में इंडस्ट्री के कौन कौन से शेड समझ आए? बहुत सारे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सारे समझ में आ गए हैं, अभी भी मैं काफी
नया फील करती हूँ अपने आप को यहाँ पे. अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है सीखने के लिए, बट एक चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं होता. यहाँ पे ना दोस्ती परमानेंट है, ना दुश्मनी परमानेंट है, ना परसेप्शंस परमानेंट है. तो सोच भी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे. जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दे दूंगी. जब मैं वीर में आई थी तो आई वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर माय वेट, अरे इतनी मोटी है, ये है वो है. जैसे कि पता नहीं, आई मीन आई एम एन एक्टर, तो आई डोंट थिंक मुझे मेरे वेट पे जज करना चाहिए. मेरी एक्टिंग स्किल्स पे आप जज कर लो, बट नहीं, मेरे वेट्स पे जज किया था. अभी मैं वही लड़की हूँ. नाउ आई एम हॉट एंड सेक्सी फॉर द सेम पीपल हुम आई वाज फैट. तो आई थिंक परसेप्शंस, एवरीथिंग इज टेम्पररी. सो यू शुड नॉट, कोई भी चीज को दिल पे लगा के बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एवरी फ्राइडे गिव्स यू अ चांस. एब्सोल्युटली. आपने बातों में परसेप्शन की बात की थी, तो ये सवाल ऐसे पूछ ही लेती हूँ. आपको आज भी लोग कैटरीना कैफ लुक अलाइक कहते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं? जानेंगे जरीन से, सुनते रहिए. आप सुन रही हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर. सुखविंदर सिंह की जोरदार आवाज में मैंने मॉनसून वेडिंग का ये गाना आपको सुनाया, और बड़ी जोरदार बातें चल रही हैं फिल्म अक्सर 2 के बारे में विद गौतम अभिनव एंड जरीन खान. आप सुन रही हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर. जरीन 7 साल से ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन आज भी लोग जब आपको कहते हैं कैटरीना लुक अलाइक, कैसा लगता है? अभी तो आई एम लकी कि अभी ऐसे ज्यादा नहीं सुनने को मिलता है. इनिशियली जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी थी तो मेरी पहचान ही ये थी कि ओ सो एंड सो की लुक अलाइक है. ऑफ कोर्स व्हेन जब आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हो, तुमको किसी के शैडो के अंदर नहीं रहना होता है. एवरीबडी इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, दे हैव डिफरेंट इंडिविजुअलिटी विच दे वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड, and everybody is here to make their own mark and I am no different. Main bhi idhar isi liye hu. Aur luckily I am happy that you know I have so much love from people, from fans, that finally, because I believe an actor or an actress is whatever he or she is because of their fans. You know, so I am happy that they accepted me for who I am. They have given me so much love, so much support, and now after finally 7 years people know me as Zarine Khan. Yes, of course. I am happy about it. International number one wicked. Number one wicked answer. All the best. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. And मैं रानी, टाटा बाय बाय कहने का टाइम. लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए. आप सुन रही हैं बिग टॉकीज, बिग टॉकीज एनजे रानी के साथ, सिर्फ बिग एफएम पर.